हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 का भूगोल का अध्याय 4 जलवायु, जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है। यानी देखा जाए तो एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए जो है कक्षा 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 क्लाइमेट काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है क्लाइमेट, जो कि एग्जाम व्यू से भी महत्व रखता है। इसमें आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों को जो है विस्तार पर चर्चा करेंगे और इसको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या। त्रिपान सेंटर का ये मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से याद कर लेते हो, तो करीबन जो है आपका पूरा चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। तो कहते हैं कुछ क्वेश्चन करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है और क्या जरूरी है। चलिए देखते हैं हमारा आज क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, व्हाट आर द जेट स्ट्रीम एंड नाउ हाउ डू देयर इज इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, व्हाट आर जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू देयर इज इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द आंसर हियर, जेट स्ट्रीम आर द हाई वेलोसिटी वेस्टरल विंड। यू नो दैट व्हाट इज जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम इज ओनली हेयर हाईली वेलोसिटी बेस्ट्रियल विंड ब्लोइंग थ्रू अ नैरो जोन इन टू अपर ट्रोस्फेयर। देर इज ओनली द वन लाइन देयर आंसर, द जेट स्ट्रीम आर हाई वेलोसिटी वेस्टर्न विंड्स ब्लोइंग थ्रू अ नैरो जोन इन द अपर ट्रोस्फेयर। द वेस्टर्न फ्लो आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेस्टर्न डिस्टर्बेलेंस इज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। इस जिले इज अ जेट स्ट्रीम केस ऑफ ड्रॉपिंग और डिप्रेशन ड्यूरिंग टू मानसून एज वेल एज अक्टूबर नवंबर मंथ। देर इज अ मोस्ट इनफेक्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देर इज ओनली अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। द स्टीम जेट इज कॉजिंग ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग टू द मानसून एज वेल एज अक्टूबर नवंबर मंथ। देर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम व्यू टू व्हाट इज अ जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू देयर इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ इंडिया ऑन दिस। यहाँ पर अगर हम बात करें जेट धाराएं की, जिसको जेट स्ट्रीम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जेट स्ट्रीम जो होता है इंग्लिश के वर्ड के अंतर्गत आता है और जेट धाराएं जो होती है हिंदी के अंतर्गत आता है। तो एग्ज़ाम में हिंदी वाले बच्चों को बड़ी ही प्रॉब्लम आता है अगर जेट स्ट्रीम लिख देते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं तो जेट धाराएं याद करके आया हूँ, जेट स्ट्रीम तो मैंने सुना ही नहीं। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। कहते हैं अगर हम जेट स्ट्रीम धाराएं की बात करें और ये भारत की जलवायु कैसे प्रभावित करती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रहेगी। यदि हम आंसर पे आए तो आंसर भी साफ है यहाँ पर कि जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। तो आप समझ गए, जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं जो ऊपरी भूक्षमंडल में एक संकेत क्षेत्र से होकर बहती है। तो इसको जो है बहुत आसान आंसर के रूप में आप देख सकते हो। आपको सिर्फ एक लाइन ही याद करना है कि जेट स्ट्रीम क्या है। तो जेट धाराएं उच्च वेग वाली पछुआ हवाएं हैं। आप सोचिएगा पछुआ क्या है, तो वेस्टर्ली पार्ट है ये। वेस्टर्ली जो एयर विंड चलती है उसे कहा जाता है। यानी जेट धाराएं उच्च वेग वाली यानी बहुत तेज गति वाले पछुआ हवाएं हैं जो कि ऊपरी भूक्षमंडल में संकट क्षेत्र से होकर ये बहती है। कहते हैं पश्चिमी प्रभाव के देश के उत्तर जो है उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाले पश्चिमी विक्षोभ के लिए जिम्मेदार है। यानी यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ गया कि पश्चिमी प्रभाव देश से यानी प्रभाव के देश उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अनुभव की जाने वाली पश्चिमी जो विक्षोभ के लिए जिम्मेदार होती है और पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी पूर्वी जेट धाराएं जो होती है मानसून के साथ साथ अक्टूबर नवंबर के महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय जो है अवसाद का कारण बनती है। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि पूर्व जेट जो धाराएं होती है वो मानसून के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय अवसाद का कारण बनती है। तो जेट धाराएं आप समझ गए होंगे, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में था। अगर इससे भी अगर साधारण लैंग्वेज में आपको जानना है तो आप कह सकते हो कि जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाला या घूमने वाला हवा धाराएं हैं। यानी बहुत तेज़ी से घूमने वाला हवा के एक धाराएं होती है
जो किसी भी हो सकती है, कहते पृथ्वी पर भी हो सकता है, वायुमंडल में इसको गति को देखा जा सकता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी पर जो है मुख्य जड़ धराएं टोपोज़ोल की ऊंचाई पर स्थित होती है और वह पश्चिम में पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ आम तौर पर एक घूमने वाले आकार के होते हैं। यानी जेट धराएं देखा जाए तो आप देख भी सकते हो कि ये घूमने वाले आकार के रूप में ये नज़र आता है। तो अगर हम दोबारा अगर इस बात को समझने की कोशिश करें तो साफ कर देता है कि जेट धराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेज़ी से बहने वाले या घूमने वाले हवा की धाराएँ होती हैं और ये जो होती है पृथ्वी पर मुख्य जेट धराएं यानी ट्रोपोपोज की ऊंचाई पर स्थित होती है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और उनके पथ जो है आम तौर पर एक घूमने वाले आकार के रूप धारण कर लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि जेट धाराएं या जेट स्ट्रीम क्या होती है और ये भारत की जलवायु पर कैसे प्रभावित करता है। तो ये भारत की जलवायु पर जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में उष्णकटिबंधीय अवसादों के कारण बनती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था एग्जाम व्यू से। मेरा विश्वास था कि मैंने पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश किया है और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आपको एक कार्य जरूर करना है, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी है और जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक पहुंचाने में आपने तिरपान एसएस सेंटर का हेल्प करना है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, लिंक को जो है व्हाट्सअप जो है आपने यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सअप स्टेटस पे जो है 24 घंटे के लिए लगा देना है। जो बच्चों का देखने का मन होगा, जो समझने का मन होगा, जिनको ये अच्छा लगेगा वो समझेंगे। ठीक है, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो कार्य था आपका वो अपने कर दिया, जो मैंने था मैंने कर दिया, अब बाकी जो है आगे बच्चों का अपना मर्जी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, ये आपके हित में होगा।